चीन के बीच होने वाली है झड़प? क्या श्रीलंका में आर्मी बेस बनाने की फिराक में है चीन? चीन क्या एक बार फिर भारत से झड़प करने के मूड में है? क्या भारत के खिलाफ चीन कोई नई चाल चलना चाहता है? आखिर क्यों अमेरिका ने चीन को लेकर चेतावनी जारी की है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर चेतावनी जारी की है। अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के करीब दोनों ही देशों के सैनिकों की उपस्थिति आज भी है, यानी भारत और चीन की सेना आमने सामने है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे चीन अपनी शक्ति दिखाने और विदेशों में अपने हितों की रक्षा करने के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों में सैन्य अड्डे स्थापित करना चाहता है, जिससे पता चलता है कि चीन भारत के खिलाफ साजिश रचना चाहता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच विवादित सीमा को लेकर तनाव की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। दोनों देशों के बीच भले ही 2020 के बाद से झड़प देखने को नहीं मिली है, लेकिन चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को LAC पर तैनात किया हुआ है। इसके कारण दोनों देशों के बीच छिटपुट मुठभेड़ों का जोखिम बना हुआ है, यानी भारत और चीन के बीच झड़प हो सकती है। अमेरिका की इस रिपोर्ट में चीन की सैन्य विस्तार की योजना, आक्रामक चीनी साइबर अभियान और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने की चीन की कोशिशों की भी बात की गई है कि किस तरीके से चीन चालाकी करता है। वहीं रिपोर्ट में पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी उकसावे की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति बन सकती है, यानी चीन के बहकावे में आकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई ऐसी वैसी हरकत कर सकता है। खैर, ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के पास पूरा प्लान है, क्योंकि सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है अब ये चर्चा बेमानी होती जा रही है, जिस बात का जिक्र अमेरिका की ये रिपोर्ट भी कर रही है, क्योंकि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है, और भारत भी इस बात को बेहद अच्छे से समझने लगा है। इसी का नतीजा है कि भारत भी पिछले कुछ सालों से सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। चीन के किसी भी नापाक मंसूबों से निपटने के लिए भारत ने भी LAC पर पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। चीन से लगी सीमा पर हालात स्थिर हैं, लेकिन चीन के पुराने रवैयों को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी को ख्याल में रखते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से लगे हर इलाके में पर्याप्त संख्या में भारतीय सैनिकों की तैनाती की गई है। दरअसल मई 2020 में चीन ने LAC पर बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों को तैनात किया था। उसके बाद ही भारत ने भी खतरों के आकलन के हिसाब से वास्तविक नियंत्रण रेखा के अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों की संख्या में इजाफा किया, जो दिखाता है कि सीमा पर अब भारत चीन के किसी भी रणनीति का उसी की भाषा में जवाब देने को पूरी तरह तैयार है। मई 2020 में चीनी सैनिकों की हरकतें बढ़ने लगी थी। उसी का नतीजा था कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारतीय सेना के कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के भी काफी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद एक बार फिर ऐसी ही झड़प हो सकती है, यह अमेरिका की रिपोर्ट कहती है। लेकिन अगर ऐसी कोई हरकत चीन करता है तो भारत जानता है कि चीन को जवाब आखिर कैसे देना है। भारत अब LAC पर बहुत मजबूत रक्षात्मक स्थिति बनाए रखने में पूरी तरीके से सक्षम है। हालात पहले जैसे नहीं है। भारत सीमा पर यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने के चीन के किसी भी प्रयास को पूरी मजबूती और जवाबी कार्रवाई से रोकने की नीति पर काम कर रहा है। इसके लिए भारत भी LAC से लगे इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति बहाली के उपायों को विकसित करने में हमेशा ही भारत पहल करते रहा है, लेकिन चीन की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश होती रही है। चीन के नापाक मंसूबों को केंद्र सरकार की ओर से नवंबर 2019 में संसद में दिए आंकड़ों से समझा जा सकता है। इसके मुताबिक
चीन की सेना ने 2016 से 2018 के बीच 1025 बार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की। चीन की सेना ने 2016 में 273, 2017 में 426 और 2018 में 326 बार घुसपैठ की कोशिश की, जिससे भारत को अभी अच्छी तरह से पता चल चुका है कि चीन की कथनी के बजाय उसकी हरकतों पर नजर रखकर ही उस सीमा पर करारा जवाब दिया जा सकता है। और भारतीय सेना अब इसी नीति के मुताबिक अपनी रणनीति बनाती है। इसलिए अगर चीन की तरफ से कुछ भी करने की कोशिश की गई तो भारत उसका माकूल जवाब देगा, और भारत के खिलाफ अगर चीन ने कुछ ऐसा वैसा सोचा तो भारत के पास पूरा प्लान तैयार है कि चीन को कैसे जवाब देना है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शीर्ष भारत।